के दिन और विशेषतः 22 तारीख को अर्पित होना चाहिए। 500 साल के संघर्ष के बाद में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मैं भारतीय होने के कारण बहुत ही गर्वित महसूस करता हूँ। पर आज की रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे लोग जुड़े हैं रैली के साथ? मैं नीलोत्पल भाई को बहुत ही दिल से, मेरे हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों को एकत्रित करके इतना भव्य रूप में बहुत शानदार रैली उन्होंने किया। हमारे आदि पुरुष हमारे भगवान श्री राम के सम्मान में और बॉम्बे मंदिर के बनने के सम्मान में। क्रांति मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील हो रहा है कि 500 साल के बाद राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है कल? मुझे बहुत ही, जैसे समीर जी ने कहा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल ना ही सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा होगी पर हर एक इंसान के अंदर का जो राम है वो जागरूक होगा और उसके बाद जो हमारा जीवन है वो सुनहरा ही होगा, सफल होगा, उज्जवल होगा। तो राम लल्ला के चरणों में यही प्रार्थना है कि सबके मन के अंदर आप बस जाइए और जैसे आप हमारे मनों पे और हमारे दिलों पर राज करते आ रहे हैं, उसी तरह अभी हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। आप वहाँ पर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और बस हमसे सेवा करवाते रहिए। नीलोत्पल जी, क्या कहना चाहेंगे, समीर भाई जुड़े इस रैली के साथ में, साथ ही 500 साल के बाद मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर बन चुका है, इनॉग्रेशन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 500 साल का जो स्ट्रगल था मंदिर का, उसमें तो हम लोग शामिल नहीं हो सके, बट जब कल श्री राम अपने अयोध्या में जब वास होंगे, उस खुशी को दिखाने का एक मौका था जो हम लोगों ने इस शोभा यात्रा के फॉर्म में किया है। आपको मालूम होगा श्री समीर वानखेड़े जी के ऊपर बहुत आरोप लगा है इससे पहले कि वो मुस्लिम धर्म के हैं, वो दूसरे धर्म के हैं। आज उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है जब उन्होंने इस शोभा यात्रा को लीड किया। श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं समीर वानखेड़े जी, और उन सारे आतंकवादी लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है। दाऊद के जो लोग साथी मंत्री हैं उन सबके ऊपर तमाचा है कि जिसको वो जीवन भर मुसलमान मुसलमान करके रहे, वो आज श्री राम की शोभा यात्रा को लीड किए, हम सारे लोगों के बीच आए। और उन सारे आतंकवादियों के ऊपर तमाचा है जो एक अधिकारी को रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे आज तक उसके अटैक करते रहे। फिर भी श्री समीर वानखेड़े जी जब भी कोई हिंदू त्यौहार होता है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं परिवार समेत, और इनको किसी भी आतंकवादी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये देश की युवा सब जानती है कि कौन क्या है कौन नहीं है। आज देश के वैसे आतंकवादी का जहाँ जगह है वहाँ वो चले जाए, उनको अगर टिकट वीज़ा चाहिए, हम सारे हिंदू पाकिस्तान का वीज़ा भी उनको अरेंज करा देंगे टिकट भी। और ऐसे अधिकारी के लिए हम सारे हिंदू भाई बहन की तरफ से एक सैल्यूट बनता है। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। और कल आप सब लोग दिवाली मनाएंगे। समीर भाई, कल का दिन आपको लगता है आम जो हिंदुस्तानी है उसको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? समीर भाई, दिवाली साझा कर रहे सर, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बलिदान भी दिए राम मंदिर के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सब भावुक भी होते हैं, हम लोग सब लोगों का बलिदान कल सार्थक होने वाला है। और जो जो जिन्होंने सार्थक किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और जिन्होंने ये संभव करके बताया है कि राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण किया, आपको नहीं लगता कि ये नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर कर देना चाहिए? हर वर्ष होने